कि आप लोग के Realme 5 या फिर Realme के किसी भी डिवाइस पर हीटिंग हैंगिंग बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके डिवाइस पर 2-3 सेटिंग्स को अप्लाई करना होगा, जिसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जो जो प्रॉब्लम हो रहा है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा कुछ ही मिनट पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू वीडियोस में। तो दोस्तों मैं हूं सगिल, आप देख रहे हो SSH Tech चैनल। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो दोस्तों दैट्स बीन सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कौन सी मोबाइल यूज़ करता हूँ, क्या वेरिएंट है। मैं रियलमी का 5 यूज़ करता हूँ, 4GB रैम प्लस 64GB वाला वेरिएंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कितने सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप होम स्क्रीन पर देख सकते हो, उसके बावजूद भी मेरे फ़ोन के अंदर कोई भी हीटिंग हैंगिंग बैटरी इशू कोई भी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। और गाइज़ मैं एक हैवी यूज़र्स हूँ, मैं गेम भी खेलता हूँ, फ्री फायर गेम, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट मैंने कुछ ही सेटिंग्स को अप्लाई किया है, उसके कारण मेरे यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हो बहुत ही स्मूथली फ़ोन चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे एप्लीकेशंस को मैंने इंस्टॉल करके रखा हूँ, बहुत सारे एप्लीकेशन। और दोस्तों आप अगर अपने डिवाइस पर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो हीटिंग और बैटरी ड्रेनिंग इशू प्रॉब्लम के ऊपर, जैसे कि क्लीन मास्टर हो, एंटीवायरस हो और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आप अगर यूज़ करते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो इसको जल्दी अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि ये ऐप काम तो नहीं करता बल्कि आपके डिवाइस पर कमजोरी बना देता है। सो बी केयरफुल गाइज। चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ A to Z की कैसे आपके रियलमी डिवाइस पर सेटिंग्स को अप्लाई करना होगा। सेटिंग्स नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपने फाइल मैनेजर के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपको फोन स्टोरेज पर जाना है, यानी कि इंटरनल स्टोरेज। इसके बाद ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आप अगर किसी भी मतलब प्ले स्टोर से, क्रोम ब्राउजर से, किसी भी ब्राउजर से ऐप डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हो, इसके बाद एक फाइल सा क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर क्रिएट होकर कुछ डेटा वगैरह जमा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर पिक आर्ट बात करते हैं, पिक्सल लैब, साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करते हैं टेलीग्राम, जो भी है ठीक है। यहाँ पर एक फाइल सा क्रिएट हो जाता है। जस्ट आपको यहाँ पर जिसको आप यूज़ नहीं करते हो, मतलब जो आपको सही लगे आप उसको डिलीट कर दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर कुछ फॉन्ट वगैरह यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कलर वाइज वगैरह को सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप भी इसको ऐसे ही कीजिएगा, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब जिसको आप यूज़ ही नहीं करते उसको आपको जस्ट डिलीट करवा देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपके यहाँ पर एक फाइल्स जमा होगा, मतलब एंड्रॉयड ऑप्शन आपको मिलेगा हर मोबाइल के अंदर। आपको फाइल मैनेजर के ऊपर आपको मिलता है यहाँ पर एंड्रॉयड का एक ऑप्शन, जस्ट इसको ओपन कर देना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स वगैरह शो होगा, जैसे कि आपको डेटा, सबसे पहली बात डेटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया आपके मोबाइल के अंदर जो ऐप्स इंस्टॉल होते हैं इसका डेटा फाइल यहाँ पर जमा हो जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर क्रोम, एक्सेंडर, जो भी है यहाँ पर काइन मास्टर वगैरह, सब कुछ इसके निकट यहाँ पर जमा हो जाते हैं। जिसको आप यूज़ नहीं करते हो, मतलब जो आपको सही लगे आप इसको डिलीट करवा दीजिएगा। मतलब यहाँ इसके अंदर कुछ वायरस वगैरह आते हैं, मतलब इंटरनेट से तो चलता है, यहाँ पर कुछ वायरस वगैरह आ जाते हैं जिसके कारण हमारे फ़ोन के अंदर हैंगिंग वगैरह शुरू हो जाते हैं, साथ ही साथ लैग भी करता है और यहाँ पर हीटिंग भी होता है इसके कारण। तो आपको इसको कुछ सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आपके जो फोन स्टोरेज, जो इंटरनल स्टोरेज है, यहाँ पर आपको 5GB to 10GB के आसपास यहाँ पर कुछ आपको खाली रखना ज़रूरी है आपके मोबाइल के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप अगर भर देंगे, जैसे कि आप अगर मान लीजिए 16GB वाला वेरियंट को यूज़ करते हो मोबाइल को, वहाँ पर आप अगर 500MB आपका अगर खाली है तो मतलब आप सोच रहे हो कि मेरा 500MB खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 14GB के आसपास फ़ोन स्टोरेज फुल कर लिया हो तो यहाँ पर आपका फ़ोन का लैगिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके फोन हैंगिंग वगैरह शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा जो कि मैंने आपको बताई, यहाँ पर फोन स्टोरेज जो है यहाँ पर आपको कुछ खाली रखना होगा। जैसे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैं 64GB वाला वेरिएंट को यूज़ करता हूँ, मेरा यहाँ पर 25.5GB आने यूज है, ठीक है। तो मैंने बाकी सब कुछ यूज़ कर लिया हूँ और मैं यहाँ पर एक SD कार्ड को यूज़ करता हूँ। मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर एक SD कार्ड को यूज़ करना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर फोन आपका अच्छा चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लीन स्टोरेज, यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन देख सकते हो। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिला तो यहाँ पर आप बैक करके होम स्क्रीन पर जाकर फोन मैनेजर के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे या फिर सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलता है।
सबसे पहली बात यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लीन आप स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ नीचे आपको एक फाइल जमा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सेव टू क्लीन मतलब 1 GB यहाँ पर मेरा डाटा फाइल जमा हो गया, ठीक है। आपको जस्ट इसको क्लियर कर देना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे के ऊपर ऐप डेटा ऑप्शन मिलता है, इसके बाद आपको मिलता है ऑल ऐप कैच डेटा, ठीक है। यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन शो कर रहे हैं, मतलब मेरे फ़ोन के अंदर जो जो एप्लीकेशन यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहली बात जो आप यूज़ नहीं करते हो, मतलब मैंने वीडमेट से डाउनलोड की है तो यहाँ पर शो करते हैं कुछ ऐप्स वगैरह, मतलब वीडियो वगैरह शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको कुछ मतलब सिलेक्ट नहीं करना है दोस्तों, जो भी है आपको जस्ट यहाँ पर कुछ अनसिलेक्ट को कर देना है, ठीक है। अनसिलेक्ट जो भी आ रहा है दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, आप अगर गलती से भी कोई भी एक सिलेक्ट करके डिलीट कर दे तो आपका फाइल जो कि चला जाएगा आप फिर वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सब कुछ आपको अनटिक कर देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर अनटिक कर दिया। इसके बाद आपको कुछ सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर सिस्टम का कैचर डेटा यहाँ पर जमा हो गया 1.15 GB तक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ फोटोज़ वगैरह यहाँ पर शो हो गया, मतलब जो यहाँ पर जो फाइल से आपको जस्ट इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर रेजिड्यूअल फाइल्स मिलता है, इसको आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो मेरा 1.15 GB को मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद मेरा फ़ोन अभी स्मूथली फ़ोन एकदम चल रहा है, आप देख सकते हो। साथ ही साथ मेरा यहाँ पर 26.2 GB मतलब दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा 25.5 GB के आसपास था, लेकिन यहाँ पर 26.2 GB के आसपास हो गया, मतलब 1 GB मतलब कैसे डेटा जो भी जमा होते हैं मैंने इसको डिलीट करने के बाद 1 GB एक्स्ट्रा मेरे पास वापस आ चुका है 26 GB तक, ठीक है। और मेरा 64 GB टोटल आप देख सकते हो। दोस्तों मैंने जो आपको सेटिंग्स के बारे में बताया, आपको यहाँ पर डेली का डेली करना है, जब भी फोन आपको जब फोन को यूज़ करेंगे डेली का डेली आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर डेली का डेली यहाँ पर कैसे डेटा फाइल जमा हो जाता है, जिसके कारण फोन वगैरह हैंगिंग वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर टैप करके यहाँ पर सिलेक्ट करके डिलीट करवा देना है। सेटिंग्स नंबर 2, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने सेटिंग्स के अंदर आना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक अकाउंट एंड साइन इन का ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट बार ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन ऑन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ टिक होगा, ब्लू टिक। इसके बाद आपको इसको डिजेबल कर देना, मतलब क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप अगर इसके ऑन रखेंगे आपके अगर नेट डेटा वगैरह जो ऑन होते ऑटोमेटिकली फ़ोन जो चलते रहते, मतलब यहाँ पर जो अपडेट वगैरह चलते रहते और इसके कारण आपके फ़ोन के अंदर मतलब बैटरी ड्रेनिंग का इशू आता है, मतलब बैटरी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, इसको आपको ऑफ कर देना। इसके नीचे आपको मिलता है गूगल का ऑप्शन, यहाँ पर आपको जस्ट टैप कर देना है। टैप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलता है। इसके बाद दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर आपको अकाउंट सर्विसेज ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। करने के बाद आपको लोकेशन ऑप्शन मिलता है, लोकेशन पर क्लिक कर देना है। लोकेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ लोकेशन सर्विस जो कि ऑन है तो यहाँ पर आपको ऑन ही रहने देना है। इसके बाद आपको मिलते हैं यहाँ पर कुछ 3 ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ पर हाई एक्यूरेंसी मिलता है सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मतलब इसका क्या है, आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिकली GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल मतलब नेटवर्क अगर चालू होंगे तो आपके फ़ोन के अंदर जो हाई एक्यूरेंसी बैटरी जो कि लोकेशन बढ़ता रहेगा और आपके बैटरी के अंदर मतलब चार्ज खत्म होते रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको लो पावर कंज्यूमेशन यहाँ पर आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बैक कर देना है, आपका काम खत्म। सेटिंग्स नंबर 3, दोस्तों क्या करना है, आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग्स के अंदर फिर से चले आना है बैक अगेन। तो यहाँ पर आपको मिलता है, मतलब यहाँ पर आपको डेवलप्ड ऑप्शन को ढूंढना होगा। आपको अगर डेवलप्ड ऑप्शन नहीं मिलता है तो सबसे पहले आपको एवर्ड फोन के अंदर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है वर्जन ऑप्शन, आपको लगातार 7 से 8 बार यहाँ पर टैप कर देना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लिक कर देना करते रहना है। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी डेवलपर मोड दिखा रहा है, ठीक है। इसको आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको मिलता है एडिशनल सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे आपको मिलता है डेवलपर ऑप्शन, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। आपके अगर ये ऑप्शन डिजेबल रहेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है दोस्तों। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स को अप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मिलता है विंडो एनिमेशन जूम, इसके बाद ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल, लास्ट पर मिलता है एनिमेटर डिटेक्शन स्केल। आपको यहाँ पर जो 1x वगैरह है ना, यहाँ पर आपको जस्ट 0.5x को सिलेक्ट कर देना है। तीनों सेटिंग्स को मतलब तीनों आपको यहाँ पर 0.5x कर देना है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, 10 मिनट के आसपास हो चुका है।
तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिसके फ़ोन के अंदर ये सब कुछ प्रॉब्लम होते हैं उन फेस करते हो आप लोग, ठीक है, तो शेयर कीजिएगा। और मैंने आपको जो सेटिंग्स बताया मेरा खुद के एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने इसको यूज़ करता हूँ पहले से। और आपने अभी तक हमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।